हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर्णाज सीक्रेट बॉक्स। बारिश का मौसम चल रहा है और गरम खाने का मन कर रहा है, तो बना लेते हैं सांभर वड़ी। उसके लिए हम एक बाउल ले लेते हैं और इस बाउल में 2 कप मैदा डाल देते हैं और उसमें 1 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। ये अजवाइन आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम भी कर सकते हो और इसे मसल के डाल देंगे। और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तेल डाल लेते हैं मोयन के लिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में आटे को हम हथेली में दबाकर देखेंगे। अगर ये लड्डू के शेप में फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब इसमें तेल हमें और नहीं चाहिए। ये देखिए, मैंने इसे दबाकर देखा है, लड्डू का शेप बन रहा है, इसका मतलब हमें और तेल नहीं चाहिए इसमें। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसके लिए हमें एक टाइट डो रेडी करना है। अगर ये डो हमारा थोड़ा अगर गीला हो गया तो जब हम सांभर वड़ी हमारी जो तेल में तलेंगे तो उसमें बबल्स आ जाएंगे, तो इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ही डालना है और टाइट डो रेडी करना है। इसे अच्छे से मसल लेंगे। ये देखिए, ये हमारा डो रेडी हो गया है। जब तक ये सेट होता है तब तक हम हमारी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल दिया है और गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैंने 2 टीस्पून तिली डाली है। इसे अच्छे से हिला लेना है। तिल्ली की तड़तड़ आवाज आने लगे तब हम इसमें 1 टीस्पून सौंफ डाल देंगे और इसे भी अच्छे से हिला लेंगे। हाफ कप सूखे नारियल का किस डालना है इसमें और उसे मिक्स कर लेना है। ¼ कप शेंगदाने का कूट डालना है। ये शेंगदाने को पहले मैंने अच्छे से सेक लिया है और उसको दरदरा पीस लिया है। इसमें हमें शेंगदाने का दरदरा कूट ही चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें सब सूखे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है, 1½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाली है, 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है, 3/4 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल दिया है और अब हम ये सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल संभार ले लिया है। इसे अच्छे से धोकर सुखाकर मैंने बारीक काट लिया है। कोई इसे संभार कहता है, कोई हरा धनिया कहता है और कोई कोथिंबीर कहता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 टीस्पून हींग डाल देनी है और नमक जो है वो स्वादानुसार डालना है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून पीठी शक्कर ले ली, यानी पीसी हुई शक्कर ले ली है। इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है जो बारीक शेव है, जो 1 कप लेनी है हमें, वो हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है।
बारीक शेव डालने के बाद हमें बस 2 मिनट तक हमारा जो मिक्सचर है, जो स्टफिंग है, उसे हिलाना है। और ये देखिए यहाँ पर हमारी स्टफिंग पूरी रेडी हो चुकी है। हम गैस बंद कर देते हैं और ये स्टफिंग को हमें पूरा ठंडा कर लेना है। और जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम हमारी सांभर वड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है वो पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है और हमारा जो डो है वो भी अच्छे से पूरा सेट हो चुका है। तो अब इससे हम छोटे छोटे लोए बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लोया ले लिया है और ये लोए को हमें एक रोटी के जैसा बेल लेना है। आप अच्छे से देखिए, ये बहुत इजी है बनाना। और अब इसमें बीच में से हमें स्टफिंग भर लेनी है। और इसे अच्छे से दबा लेना है। इसे हमें दबाना इसलिए ताकि ये बिखरे नहीं। अब ऊपर की जो लेयर है वो नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ ओवरलैप करते हुए उसे फोल्ड कर देंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और जो साइड के कॉर्नर है उसको अंदर की तरफ दबा देंगे और दूसरे कॉर्नर से भी अंदर की तरफ दबा देंगे ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो पूरी अच्छे से पैक हो जाए, बाहर निकले नहीं तलते समय, नहीं तो वो तेल में बिखर जाती है निकल के। तो इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है और ये बहुत इजी है फ्रेंड्स। इसे आप अच्छे से देखिए, बहुत इजी है इसे भरना। और इसी तरीके से हम हमारी जो पूरी सांभर वड़ी है वो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम रख दिया है और इसमें मैंने एक छोटा सा आटे का टुकड़ा डाल के देखा है। ये तेल हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस ये टुकड़ा ऊपर आ जाए फिर हम हमारी जो सांभर वड़ी है वो डाल देंगे। तो देखिए ये ऊपर आ गया है, इसे निकाल लेते हैं। और हमारी जो सांभर वड़ी है वो एक एक करके इसमें सब डाल देते हैं। सांभर वड़ी जो है वो हमें एकदम गरम तेल पे इसलिए नहीं तलनी है, अगर गरम तेल में हम उसे डाल देंगे तो वो ऊपर से तो अच्छी ब्राउन हो जाएगी लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं पकेगी, इसलिए उसे हमें कम गरम तेल पे ही तलना है। और इसकी जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे तलना है। धीरे धीरे इसे हिला लेते हैं। ये देखिए अब आप इसको अच्छे से हिला सकते हो। ये जो सांभर वड़ी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और आप इसे बच्चों के बर्थडे पार्टी पर या वीकेंड पे बनाकर खिला सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो सांभर वड़ी है वो रेडी हो चुकी है। इसका कलर भी कितना प्यारा आया है, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसका। इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें हमारी सब सांभर वड़ी तल लेनी है और ऐसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आने पे निकाल लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।